नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 मई 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2019-2021 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2022 की अपडेट को लेकर। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों देखेंगे, यूपी टेट 2021 का प्रकरण, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आयोजित याचिका संख्या 15/12/2022, प्रतीक सिंह एवं चार अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12/5/2020 के अनुपालन में इंस्ट्रक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में सचिव का आदेश। देखिए एक नोटिस को जारी किया गया, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। एक बात और दोस्तों आपको बता दें, बीएड प्रवेश परीक्षा में आवेदन का टूटा 3 सालों का रिकॉर्ड, इतने लाख उम्मीदवारों ने किया आवेदन। मतलब दोस्तों बीएड करने के लिए, मतलब बीएड में एडमिशन लेने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन एक बात और आपको बता दें, जिस दिन दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया, तो लाखों बच्चे भैया बीएड से नाम कटाकर डीएलएड में फिर से आ जाएंगे। देखिए उसका रीजन क्या है, टीजीटी या एलटी ग्रेड की वैकेंसी उतनी ज्यादा आती नहीं है और नौकरी पाना आसान भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ी वैकेंसी, अगर हम जूनियर की बात करें 6 to 8 में 1894 पदों पर वैकेंसी आई थी, जिसमें से आपको पता है 1504 पद सहायक अध्यापक के थे। तो सोचिए उसमें बच्चों को फायदा क्या होगा, कितने कम पद थे। तो सिंपल सी बात, इसको जरा ध्यान रखिए। उसके बाद देख सकते हैं कि टेट पास बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक बरकरार है, 14 जुलाई को मिली अगली डेट। इस अपडेट को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कोई भी दोस्तों आज खबर छूटेगी नहीं आपसे, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बाकी डीएलएड स्कॉलरशिप का स्टेटस यहाँ से देखें। अगर दोस्तों अभी तक आपने अपने डीएलएड स्कॉलरशिप का स्टेटस नहीं देखा है, तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया है जहाँ से आप लोग अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी डीएलएड बैक पेपर छात्र रिजल्ट के इंतजार में, तो इस अपडेट को भी हम वीडियो में कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो कोई भी दोस्तों खबर आज आपसे छूटेगी नहीं। तो पहले टेट वाला मामला क्या, इसको जरा समझ लेते हैं, जहां पर डीएलएड छात्रों को फायदा हो सकता है। देखिए अगर एक बार बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया, तो इसका सीधा फायदा देखिए सभी बच्चों को होगा डीएलएड में, चाहे 2019 बैच हो, चाहे 2021 बैच हो, या दोस्तों हमारा जो नया बैच आने वाला है 2022 का, उन बच्चों को भी फायदा मिलेगा। तो क्या अपडेट क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर पहले से लगाई रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने मामले में स्थगन आदेश को बढ़ाते हुए एनसीटीई को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि एनसीटीई जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी वह कुछ नहीं कर सकती है। तो कोर्ट ने एनसीटीई को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी। याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता तान्या पांडे ने तर्क दिया कि मामले में यूपी सरकार और एनसीटी दोनों बच रहे हैं, वे स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। याची पक्ष का तर्क था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के 28 जून 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया है। कहा गया कि जब नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया, तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के पात्र नहीं हो रहे हैं, लिहाजा टेट 2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र न जारी किए जाए। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए टेट 2021 में क्वालिफाई करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र अगली सुनवाई तक न जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी से भी जानकारी मांगी थी। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, देखिए दूसरे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी यही अपडेट आई कि बीएड डिग्री धारकों के पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक बढ़ गई है। तो मतलब दोस्तों आप हर जगह देख सकते हैं कि यहाँ पर यही अपडेट आजकल न्यूज़पेपर में छाई हुई है। तो मतलब इस साल अगर आप बीएड में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा। नहीं तो देखिए जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनका तो देखिए नुकसान हो ही जाएगा अगर बीएड को बाहर कर दिया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार आपको बता दें, बीएड में एडमिशन लेने के लिए 6,40,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो सोचिए दोस्तों 6,40,000 बच्चे, लेकिन जब उनको ये बात पता चलेगी कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जा सकता है, तो वो बच्चे भी एक बार डाउट में आएंगे। तो देखिए एक तो मामला बहुत ज्यादा लेट हो गया कि बताइए सुनवाई अब जुलाई में होगी, तब तक दोस्तों यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम सब कुछ हो जाएगा, तो सोचिए बच्चों के पास विकल्प क्या रहेगा। तो इसको पहले ही क्लियर कर देना चाहिए ताकि बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहे कि डीएलएड में एडमिशन लेना है कि बीएड करना है। तो अगर आपके घर में भाई बहन दोस्त यार अगर कोई भी डीएलएड या बीएड करना चाहता है, तो उनको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ये बात क्लियर कर दीजिएगा कि अब मामला दोस्तों संदेह के घेरे में है। अगर बीएड को बाहर कर दिया गया तो छात्रों का नुकसान बहुत ही बड़ा होगा, जो बच्चे इस साल बीएड में एडमिशन लेंगे। अगर बाहर नहीं किया जाता तब तो सब कुछ सही है। अब चलिए बात हो जाए डीएलएड की और नई शिक्षक भर्ती की।
तो सभी बच्चों के मन में एक सवाल है कि इस बार कॉपी कैसे चेक हो रही है, डीएलएड में क्या क्या मामला कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, डीएलएड के हमारे टोटल 4 सेमेस्टर है, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो चारों सेमेस्टर की दोस्तों जो कॉपियां हैं और जो रिजल्ट है, हो सकता है कि अलग अलग समय पर जारी किया जाए, एक साथ तो हो सकता है, या तो हो सकता है एक साथ ही रिजल्ट आ जाए। लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चे इस बार पेपर दिए हैं वो थर्ड सेमेस्टर में दिए हैं और दोस्तों प्रथम सेमेस्टर में दिए हैं। बाकी सेकेंड सेमेस्टर में कुछ बच्चों की बैक थी, लगातार 2 बार लग चुकी थी, थर्ड बार बच्चे दिए हैं, और कुछ बच्चे जो फोर्थ सेमेस्टर में जिनकी बैक लग गई थी वो बच्चे पेपर दिए हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे कम कहाँ पर थे, सेकेंड और फोर्थ में, उसके बाद ज्यादा बच्चे प्रथम में थे और उससे कम बच्चे तृतीय सेमेस्टर में थे। तो देख सकते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ हमारा रिजल्ट आ सकता है सेकेंड और फोर्थ, और हो सकता है कि थर्ड को एक साथ ही जारी कर दिया जाए, फर्स्ट का अलग से जारी किया जाए। तो देखते हैं जो भी अपडेट आएगी, अपडेट देखिए हम आप तक पहुंचाएंगे, कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रों की सूची भी जल्द होगी फाइनल, ये दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्जाम की है। तो अगर आपने डीएलएड का पेपर दे दिया तो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करें या फोर्थ की तैयारी करें या अपना टेट की तैयारी करें। तो देखिए, आप लोग को नई शिक्षक भर्ती में मौका कब मिलता है, जब आपके डीएलएड के चारों सेमेस्टर क्लियर हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके साथ साथ दोस्तों प्लस में आपका टेट क्लियर होना चाहिए, तब जाके दोस्तों आपको मौका मिलता है सुपर टेट का। तो इस बात को जरा आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनका डीएलएड तो क्लियर हो गया, टेट नहीं क्लियर, तब वो सुपर टेट से बाहर हो जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिनका डीएलएड के 3 सेमेस्टर या चौथा भी क्लियर हो गया लेकिन गलती से एक विषय में बैक रह गई, तो भी दोस्तों वो बच्चे नई शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाते। तो याद रखिएगा, अगर आपकी बैक बरकरार है तब तक आप नई शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नई भर्ती में मौका मिले तो आपको जल्द से जल्द अपनी बैक क्लियर करनी पड़ेगी। फिलहाल आप लोग अपने रिजल्ट के इंतजार में होंगे और रिजल्ट देखिए कब तक आ सकता है। देखिए, आज हमारी तारीख 18 मई 2022 है, ठीक है, तो रिजल्ट आने में कम से कम 1 महीना, 18 जून तक इंतजार कर सकते हैं दोस्तों हम लोग रिजल्ट के लिए। और ये मान के चलिएगा कि जून के लास्ट तक उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए, उसके बाद बच्चे फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी में लग जाएंगे और प्रथम सेमेस्टर वाले सेकेंड की तैयारी में। तो तैयारी तो वैसे अभी आप लोग लग गए होंगे, क्लासेस आपकी लगातार चल रही होंगी। देखिए, डीएलएड में कोई आपको छुट्टी मिलती नहीं है, क्लासेस कंटिन्यू होती हैं। तो अब देखिए, एक और सवाल था कि टेट की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, क्या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना ठीक है या ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की, तो फिलहाल आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, तो अगर आप लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं तो यूट्यूब भी दोस्तों एक बेहतर विकल्प है आपके लिए। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते तो कोचिंग क्लासेस लेना तो भी दोस्तों बढ़िया रहेगा। देखिए, कोचिंग जाने से आपका एक रूटीन बन जाता है, यूट्यूब पर पढ़ने से क्या दिक्कतें आती है कि कुछ दिन आप क्लासेस लेंगे रेगुलर, लेकिन उसके बाद होता है कि ना चलो बाद में वीडियो देख लेंगे, बात बात के चक्कर में आप काफी बार वीडियोस देख नहीं पाते। तो दोस्तों बेहतर यही होता है कि ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि आपका एक रूटीन बना है कि आप भैया रोज कोचिंग पढ़ने जाएंगे, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाना पड़ेगा, तो वहां पर एक फायदा ये मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन में ये नुकसान होता है कि बच्चे कुछ, देखिए जो बच्चे सीरियस हैं उनके लिए तो ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा तो नहीं होता कि कोई कहता है डांटता है तभी पढ़ते हैं, तो उनके लिए दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए। बाकी देखिए, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक बात और, हमने बोला था कि भैया आप लोग वीडियो कॉल से बच के रहिएगा, काफी ऐसे बच्चे शिकायतें कर रहे हैं, तो आप लोग बच के रहिए। ठीक है, वीडियो कॉल आप लोग अनजान व्यक्ति हो तो कभी भी वीडियो कॉल। एक चीज और बता दें, कुछ ऐसे दोस्तों ऐप आते हैं जिससे आपके मोबाइल का भैया पूरा, ठीक है, पूरा मतलब एक्सेस दूसरा मोबाइल वाला पा जाएगा, तो कुछ ऐसे ऐप को आपको डाउनलोड नहीं करना। कुछ लोग लिंक के भेजेंगे, कहेंगे भैया यहाँ ऐप डाउनलोड कर लो, जहाँ आपने उस ऐप को डाउनलोड किया पूरा एक्सेस सामने वाले को मिल जाएगा कि आपके मोबाइल में क्या गैलरी में पड़ा है, फोन नंबर क्या है, कौन कौन से है, व्हाट्सएप, मतलब पूरा एक्सेस। तो सावधानी आपको बरतनी चाहिए, ठीक है, आजकल साइबर क्राइम के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सावधानी बरतिए। है, मिलते हैं एक और वीडियो में पीएनपी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।